पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या है आपके पास, हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने जब डिस्कस किए थे तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो है वो आपके पास स्टैमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टैमन के हमने देखे थे तो टू पार्ट्स होते हैं फ्लावेंट और ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यही जो है वो मेल सेक्स सेल्स हैं। इन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से कहाँ, फीमेल जो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है आपका, ये कार्पल, इस पर, और इसके किस पार्ट पे आता है, स्टिग्मा पर जो है वो ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। और अब जब ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन आपके इस कार्पल के स्टिग्मा पे, तो फिर यहाँ से ये कहाँ ट्रांसफर होता है देखते हैं हम। इसके बाद जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन के बाद वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन है क्या, ये देखिए पॉलन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा। पॉलन जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर, और इसके बाद क्या फॉर्म करते हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वो ट्यूब फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ से गुजरती है, स्टाइल में से। कार्पल का सेकेंड पार्ट कौन सा है, स्टाइल। इसमें से गुजरने के बाद अब ये कहाँ आ जाती है, थर्ड पार्ट में कार्पल के, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ओव्यूल। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉलन ट्यूब से जो है वो पॉलन ग्रेन मूव करते हुए कहाँ आते हैं, ओव्यूल के पास, और यहाँ जाके ओव्यूल के साथ जाके क्या होते हैं, ये देखें फ्यूज हो जाते हैं, पॉलन फ्यूजेस विद ओव्यूल। ठीक है, अब जब ये फ्यूज होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो है वो ओव्यूल के साथ, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो क्या है फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स। मेल सेल क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं, और फीमेल सेल्स क्या हैं, ओव्यूल्स हैं। इन दोनों का फ्यूजन, इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने की वजह से, मेल और फीमेल सेल्स के मिलने की वजह से प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या बनते हैं, फ्रूट्स और सीड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देखते हैं हम किस तरह से फॉर्मेशन है, फ्रूट्स एंड सीड्स की, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्या हो गया है, मेल और फीमेल सेल्स मिल गए, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स मिल गए, फ्यूजन का प्रोसेस हो गया इन दोनों के दरमियान, तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के वो सब क्या हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाते हैं। कौन से पार्ट्स हैं बाकी, हमने देखा था सेपल्स हैं, पेटल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और कौन सा पार्ट है, अब स्टैमन, स्टैमन के अंदर से पॉलन ग्रेन निकल गए तो बाकी जो है वो उसके जो पार्ट्स हैं ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। इसी तरह से आपका कार्पल है, कार्पल के अंदर भी अब क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये भी क्या हो जाता है, ड्राई आउट हो जाता है। सिर्फ क्या रह जाता है यहाँ पे, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। सिर्फ ये रह जाता है पार्ट, बाकी सारे पार्ट जो हैं वो फ्लावर के सब के सब ड्राई आउट हो जाते हैं और फॉल हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल, स्टैमन, स्टिग्मा एंड स्टाइल ड्राई आउट एंड फॉल। और उसके बाद जो पार्ट रह गया, कौन सा पार्ट रह गया है, ओवरी, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये रह गए हैं। ओवरी जो है उससे क्या फॉर्म होता है, फ्रूट्स फॉर्म होते हैं, और ओव्यूल से क्या फॉर्म होते हैं, सीड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, बाकी सारे पार्ट जो हैं वो क्या हो गए हैं, झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। इस प्रोसेस के जरिए फ्रूट्स और सीड की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट आर फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स किसे कहते हैं और सीड्स किसे कहते हैं। फ्रूट्स क्या है, फ्रूट होता है फल, और सीड्स क्या होते हैं, बीज। और इसी सीड्स के जरिए क्या होती है आपके पास, रिप्रोडक्शन। अगर हमें नया प्लांट ग्रो कराना हो तो हम क्या करते हैं, सीड को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स आर द रिपेंट ओवरीज ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फ्रूट्स क्या है, ओवरीज जब पक जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं आपके पास, फ्रूट्स कहते हैं। तो फ्रूट्स क्या हो गए आपके पास, फ्लावर की जो है वो रिपेंट ओवरीज हैं। सही, अच्छा।
अच्छा जी, अब आपने फ्रूट्स, कई टाइप के फ्रूट्स देखे होंगे, खाते हैं ना फल आप लोग, तो आपको सारे फ्रूट्स एक जैसे तो नहीं नजर आते हैं। सारे फ्रूट्स मुख्तलिफ टाइप्स के हम लोग फ्रूट यूज कर रहे होते हैं। कुछ फ्रूट जो है वो क्या होते हैं, सम फ्रूट्स मे बी सॉफ्ट एंड फ्लैशी। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आप पूरे फ्रूट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसमें से कौन से सॉफ्ट और फ्लैशी नज़र आते हैं आपको, आपके पास मैंगो है, एप्पल है, ठीक है, ऑरेंज है, ये सब क्या है, सॉफ्ट हैं और फ्लैशी हैं। और बहुत से ऐसे भी फ्रूट खाते हैं हम जो ड्राई और हार्ड होते हैं। जैसे जितने हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई और हार्ड होते हैं। इसमें जो है वो एग्जांपल आती है आपके पास किसकी, कई एग्जांपल आपके पास होंगी, आलमंड आ जाता है इसकी एग्जांपल में, फिग आ जाती है इसकी एग्जांपल, ठीक है। अब जो आप फ्रूट्स खा रहे होते हैं तो आपको फ्रूट्स में जो है वो सीड्स भी नज़र आ रहे होते हैं। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सीड होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। अब आप बताइए मुझे कौन से फ्रूट हैं जिसमें सिर्फ एक सीड मिलता है आपको, कौन से हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वन सीडेड फ्रूट की, क्या है इसमें, मैंगो, पीच, एप्रिकॉट। फ्यू सीडेड फ्रूट्स में क्या, कौन सी एग्जांपल्स हैं। फ्यू सीडेड फ्रूट्स का मतलब है एक से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक, काउंट कर सकते हैं हम, ये फ्यू सीडेड फ्रूट्स कहलाते हैं। इसके अंदर एप्पल देखा है आपने, एप्पल में होते हैं फ्यू सीड, ऑरेंज में होते हैं, ग्रेप्स में होते हैं, लेमन है, इनके अंदर फ्यू सीड जो है वो, ये फ्यू सीडेड फ्रूट्स की एग्जांपल है। मैनी सीडेड फ्रूट्स की क्या एग्जांपल है, वो फ्रूट्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, वो उनकी एग्जांपल में पपाया, पपीता खाते हैं आप लोग उसमें पपीते में है, वाटरमेलन है आपके पास, पॉमीग्रेनेट इसकी एग्जांपल है, अनार होता है, ठीक, और तरबूज है, वाटरमेलन, ये सारी एग्जांपल है किसकी, मैनी सीडेड फ्रूट्स की। बुक से भी रीड कर लेते हैं इस टॉपिक को, पेज नंबर है 31, फर्टिलाइजेशन। एज द पॉलन ग्रेन्स रीचेस द स्टिग्मा दे मूव डाउन इनटू द ओवरी बाय फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब द पॉलन ट्यूब। When the pollen grain reaches the ovule, they fuse together. समझ में आ गया हमने क्या कहा था, जब क्या होता है पॉलिनेशन, कि पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं, तो स्टिग्मा में आने के बाद इन्हें कहाँ आना है, ओवरी में, ओवरी में किसके साथ फ्यूज़ करना है, ओव्यूल में। तो पहले क्या फॉर्म करते हैं ये पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, और ये पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ग्रेन को कहाँ जो है वो पहुँचा देती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में, और ओव्यूल्स के साथ ये जाके क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स पॉलन एंड ओव्यूल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। After fertilization, the sepals, petal, stamen, stigma and style dry out and fall. The ovary ripens into a fruit and ovules form the seeds. ठीक है, formation of fruits and seed from flower. समझ में आ गया अब आपको कि किस तरह से flower ही से fruits और seeds की formation होती है। Fruits and seed. Fruits are the ripened ovaries of the flowers. They are different in shape, size and taste. They may be soft and fleshy or dry and hard. ठीक है, कितने फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ सॉफ्ट और फ्लैशी हैं, कुछ ये जो सारे नज़र आ रहे हैं ये क्या है, हार्ड हैं आपके पास और ड्राई हैं। फ्रूट्स कंटेन वन फ्यू और मैनी सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर, किसी के अंदर वन सीड्स हैं, किसी के अंदर फ्यू हैं, किसी के अंदर मैनी हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम कौन कौन से जो है वो वन सीडेड फ्रूट्स हैं। ये देखें आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है वन सीडेड फ्रूट्स की, ये हैं फ्यू सीडेड फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसी तरह मैनी फ्रूट सीड, मैनी सीडेड फ्रूट्स में जो है वो ये सारी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, पपाया, वाटरमेलन है आपके पास, पॉमीग्रेनेट है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये देखें ड्राई फ्रूट कंटेन मोर कैलोरीज दैन फ्रेश फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती हैं फ्रेश फ्रूट्स के मुकाबले में। खाते हैं ना आप लोग ड्राई फ्रूट्स, सर्दियों में तो बहुत फ़ायदा मंद है, खाने चाहिए, खाइएगा, ठीक है। चलिए जी, अब आप लोग होमवर्क पे आ जाइए। होमवर्क क्या है आपके पास, टू एक्टिविटी नंबर 7 बुक वर्क। बुक में करनी है ये एक्टिविटी आपको, और क्या काम करना है,
एंड एक्सरसाइज नंबर 5 का कौन सा पार्ट करना है आज? 5 कॉपी वर्क है ये, चैप्टर 2 से है और इसको जो भी काम करेंगे से याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए बुक पे देख लेते हैं। पेज नंबर 33 पे है एक्टिविटी नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपके को खुद ऑब्जर्वेशन आपकी अपनी होनी चाहिए और इस टेबल को फिल करें। आपने अपने इर्द गिर्द ये सारे फ्रूट्स देखे हैं, उनको ऑब्जर्व करें और फिर इस टेबल को फिल करें। पिक्चर ऑफ फ्रूट्स, ये पिक्चर लगी हुई है, किसकी है? नेम ऑफ फ्रूट, नाम लिखें इसका, क्या नाम है? आलमंड। अब बताएं ये ड्राई है या फ्लैशी है? ठीक है, तो ये तो ड्राई है, हमने यहाँ लिख दिया। नंबर ऑफ सीड एज वन, फ्यू और मैनी। अब आपको बताना है इसके अंदर कितने सीड्स होते हैं, वन है, फ्यू है या मैनी है। तो ये क्या है? ये सीड होता है, ये एक ही होता है इसके अंदर। ये क्या है? इसका नाम लिखें, ठीक है, फ्रूट का। फिर अब आप बताइए ड्राई है, फ्लैशी है, नंबर ऑफ़ सीड्स लिखने। इस तरह से ये सारे जो कॉलम हैं, पिक्चर जो फ्रूट्स के हैं, इनके नाम लिखने हैं, ड्राई या फ्लैशी बताना है, सीड्स बताने हैं कि वन है, फ्यू है या मैनी है। कर लेंगे खुद से आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5 का पार्ट कौन सा है? 5, व्हाट आर फ्रूट्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट। पहले तो बताएंगे कि फ्रूट्स किसे कहते हैं और टू एग्जांपल ड्राई और फ्लैशी फ्रूट्स की देनी है। चलिए, कॉपी वर्क है आपका, व्हाट आर फ्रूट्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट्स। डेट मेंशन करेंगे आज की, पेज नंबर डालेंगे आप, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक, फ्रूट्स की हेडिंग डालनी है सबसे पहले। फ्रूट्स आर द रिपेंट ओवरीज ऑफ द फ्लावर्स। अब हमें टू एग्जांपल देनी है ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट की, तो पहले हेडिंग एग्जांपल की डालें, फिर ड्राई फ्रूट्स की हेडिंग डालें और दो एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स की दे दें, एलमंड, फिग और भी कोई आप लिखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अब फ्लैशी फ्रूट्स की हेडिंग डालें और कोई दो फ्लैशी फ्रूट लिख दें, यहाँ एप्पल और मैंगो है लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई और भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर और आज का होमवर्क आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।